रोजाना टेम्पो सर्विस जो टप्पर बनी बिसोली पठानकोट और कठुआ तक जाएगी, टप्पर से 5 बजे, बनी से 6 बजे और कठुआ से 2:30 बजे वापस आएगी। मिनिस्टर ऑफ द टाइम तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्स मिनिस्टर रेवेन्यू फाइनेंस प्लानिंग लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रेम सागर अजीज जी। और बनी का रुख क्या है इन्होंने, जानते हैं विजिट को लेकर। देखिए, ऐसे तो मेरा घर है यहाँ बनी में, तो बनी तो मुझे आना ही पड़ता है, महीने का एक आधा चक्कर तो मैं काट ही लेता हूँ बनी में। मगर आज का जो मेरा बनी का टूर है आने का, वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई फंक्शन कर रहा हूँ या कोई मीटिंग के लिए आया हूँ। आज एक दुखदाई बात हुई है जो मैं अभी यात्रा में गया था, मैंने परसों ही सुनी है और कल ही घर में अपने मैं हरिद्वार से पहुंचा हूं, मुझे पता चला कि मेरे एक बड़े अहम दोस्त मास्टर लाल चांदी, जो कभी ऑनरेबल MLA थे बनी के, उनकी मिसिस की जो है वो डेथ हो गई है। और इसके साथ ही यहाँ हमारे साथी थे बाड़ी से कश्मीर चंद जी, उनकी डेथ हो गई है। और रास्ते में हमारे सरपंच साहब हैं, उनकी सिस्टर की डेथ हुई है। और बग्यान में हमारे चेला जी की 6 बहनों का एक ही भाई था, उसकी डेथ हुई है। तो इसलिए जब मैं मुझे पता चला यहाँ, तो मास्टर जी की मिसिस के बारे में चला, तो मेरा दिल नहीं रुका। मैंने सोचा कि मैं जाके पहले उनके 2 मिनट अफसोस कर जाता हूँ। देना किसी ने किसी को क्या होता है, लेकिन फिर भी जो सहानुभूति होती है आदमी की, क्योंकि वो ऐसी भावजा थी हमारी, जब हम कभी भंडार में जाते थे, जहाँ जाते थे, खाने के बगैर वो आने नहीं देती थी। ऐसे भी मेरे बड़े तल्लुकात थे उनके मायके वालों के साथ, प्रेम जी के साथ जो फरस हुआ करते थे, पंडित मंगतराम जी स्वर्गीय जहां हमारे MLA होते, उनके साथ मेरे टूर लगते थे। तो काफ़ी दिन हमने इनके साथ बताए हैं। ऐसे ही दिन हमने बचपन के मास्टर लाल जी के साथ बताए हैं, जो कठुआ में भी पढ़ते थे, यहां भी इकट्ठे साथी रहे। तो इसलिए मेरा रुख करने का बनी का ये था कि मैं उनकी सहानुभूति के लिए यहां आज आया हूं और अभी उनके घर जा रहा हूं। सर, जिस तरह हम जिंदगी के मेले जो देखते रहते हैं खुशी गमी के, और इसी तरह यहाँ एक आए दिनों मेला हुआ, विसाखी मेला जो आपने शुरू किया था, तो आए दिनों हम स्पीच सुन रहे थे, इन्होंने बताया था कि हमने शुरू किया, तो क्या कुछ बताएंगे इस मेला को लेकर, इस मेले में आपकी गैर हाजिर, खुशी के मौके पर हाजिर नहीं हुए। देखिए, ये बड़ी एक लंबी दास्तान है कि आपने वाजिया फरमाया कि ये 1998 में मेरे साथी स्वर्गीय दयाराम जी, हमारे अभी मास्टर जी यहाँ ठाकरदास जी, और उन दिनों PCC कमेटी हुआ करती थी यहाँ, जो जिसका नाम उन्हीं दिनों चेंज किया, इन्होंने PCM रखा था। जो PCM कमेटी थी, उन्होंने और सभी साथियों ने हमने यहाँ शुरू किया था मेला। उन दिनों हम अपने इस पहाड़ी कल्चर को जो थे, इसकी इसको उजागर करना चाहते थे। और इसमें हमारे लेखराज जी वर्मा बसोली से हम बुलाते थे, फजल करीम जी थे, वो शायद अभी लेक्चरार बन गए हैं, वो आते थे। एक लड़की हुआ करती थी डगर से, रेखा या क्या नाम था उसका, वो आती थी, और बहुत काफ़ी लोग आते थे यहाँ। तब हमने शुरू किया था ये 5-6-7 साल हमारा ये प्रोग्राम चलता रहा। ये जब हमारा उसके बाद 7 साल के बाद या 6 साल के बाद प्रोग्राम आया, तो हमने तैयारी शुरू की। तो उस वक्त मुझे गौतमचंद जी गोस्वामी, वो मुझे यहाँ मिले, कहने लगे यहाँ राजू आनंद की जो है वो डेथ हो गई है, इस साल हम ये मेला नहीं मनाएंगे। तो ठीक है, वो भी हमारा भाई था, हमने कहा ठीक है, नहीं मनाएंगे मनाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि उत्तम चंद गोस्वामी जी, जो सारी उम्र मास्टर लालचंद जी के साथ रहे, कंधे से कंधा उनके साथ मिलाते चले आ रहे थे, आज उनकी मिसिस की डेथ हुई और अभी वो खाक जो है शमशान में गरमाइश पर भी है कि इन्होंने यहाँ मेला शेला जो रचा दिया। मुझे समझ नहीं आई बात की। और यहाँ तक ये लोग जो मुझे टेलीफोन करते हैं कि महाराज ये आपको बैसाखी का मेला नहीं, अब तो एक बिजनेस का दारा बन गया है यहाँ बनी के अंदर, तो हमें काफ़ी होता है। ऐसे गोस्वामी जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे सारी उम्र इन्होंने झूठ बोल के ही टाइम पास किया है, इधर से बात उधर से, उधर से बात उधर। कोई भी फंक्शन होता है किसी कम्युनिटी का, जो सबसे पहले झंडा लेकर आगे आगे चलते हैं और जिंदाबाद जैसे भी नहरे लगाते हैं, इसलिए कि मैं भाई मैं भी नेता हूं, मैं भी यहां का हूं। तो अब ये भी 70+ हो चुके हैं, इनको ऐसी झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। साहिब औलाद हैं और इनको अब भगवान का भी थोड़ा हाजिर नाजर रख के बात
करनी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने जो शुरू किया है, पीसीएम कमेटी ने शुरू किया, हमारे साथी जो इस वक्त नहीं है देव राम जी, और अभी यहाँ मास्टर ठाकुरदास जी हैं, आप किसी से पूछ सकते हो, सभी को पता। तो ऐसे झूठ बोलने से कोई, आपको सच्चाई बताता हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उन दिनों ये 1998 में शुरू किया था। सर जैसे हम देख रहे हैं कि उस वक्त भी लॉटरी टिकट वगैरह आप लेते थे या क्या सिस्टम था? जैसे इस बार अराउंड 6000 टिकट्स इन्होंने सेल किए हैं, 100 रुपये पर टिकट, 6 लाख उसका ही आया। उसके बाद जो है कुछ कंट्रैक्टर्स ने 1-1.5 लाख दिया, लोगों ने वहां फंडिंग दी है, तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या ये कमर्शलाइज कर दिया है इन्होंने सारा मेला? यहाँ तो लोकल कल्चर डिस्प्ले करना था, वो बाहर से सिंगर वगैरह डांसर लाकर उनको पैसे लुटाते हैं, तो यहाँ का जो टैलेंट है वो कैसे एक्सपोज होगा? सर क्या बताएंगे आप? देखिए मैं तो यहाँ आ नहीं सका, फ़ोन तो इन्होंने मुझे भी किए थे लेकिन मैं उस बात यात्रा में था कि आप भी आएँ यहाँ। इन्होंने पिछले साल भी मुझे फ़ोन किए थे, लेकिन मसला ये है यहाँ का कि ये जो चीज़ें टिकटें हैं, लॉटरी की टिकटें हैं, ये तो ऐसे भी सरकार ने बंद की हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब पता नहीं यहाँ कैसे SDM साहब ने इन्हें अलाउ किया है, और SDM साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नाइस हैं, इनकी इनको और इनकी फैमिली को अच्छे तरीके से बचपन से ही जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो टिकटें हैं 10 आदमियों को खुश कर दिया, दे कर दो, अब आप कह रहे हैं 6000 टिकटें हैं, 6 लाख रुपया लियो, तो ऐसी चीज़ों का जो संज्ञान लेना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक बिजनेस बना दी है इन्होंने, ये कोई मेला थोड़ा है। ठीक है लोग आते हैं, लोग बेचारे किसी तरीके से शहर में उन्होंने आना है, एक तो एंजॉय करके दूसरा वो ले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कमर्शियल चीज़ें इन्होंने ऐसी नहीं करनी चाहिए। अपने इलाके की चीज़ों को ही इन्होंने प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे इलाके की हमारे बनी की जो है वो तरक्की और तब्दी हो। सर जैसे इनाम की अगर बात करें तो पिछले साल 16 इनामात दिए गए थे, लेकिन इस बार जो है वो 10 इनामात दिए गए। अगर उनकी कैलकुलेशन हम करें तो 1 लाख तक की बाइक होगी, 70-80 हज़ार की स्कूटी होगी, 30 हज़ार तक लैपटॉप होगा, तो ये अराउंड 2-2.5 लाख के तकरीबन इतना ही अमाउंट बनता है। तो बाकी अमाउंट की ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या बताएंगे सर? ये तो जो इनकी कमेटी होगी उनको ही पता होगा क्या है क्या नहीं है, यहाँ ये जवाब तो यही लोग दे सकते हैं। सर कमिंग असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में क्राइसिस चल रहे हैं सर, लोग जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की मांग करते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं हो पा रही है, क्या बताएंगे? देखिए जहाँ इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन तो ये वाजिया हो चुकी है कि ये 2024 में होगी जो विधानसभा की इलेक्शन है। जो आने वाली इलेक्शन है अभी देखिए G20 आपका मई में जो है वो कश्मीर के अंदर 3 दिन का आपका प्रोग्राम चल रहा है, शायद करगल ले में था, करगल का शायद ये कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये G20 का आएगा जुलाई में, आपकी श्री अमरनाथ जी की 2 महीने की यात्रा शुरू होगी, और उसके फौरन बाद फिर आपकी ये इलेक्शनें आ जाएंगी, पंचायत की आएंगी, म्यूनसिपैलिटी की आएंगी, ये इलेक्शनों की हम करवाएंगे पहले जो हदायतें दी गई हैं पार्टी की तरफ से, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन आ जाएगी और मई में ये सरकार बनाएंगे, उसके बाद जाके विधानसभा की जो है वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। हाईकमांड ने पार्टी की तरफ से बिलावर का प्रभारी बनाया है, तो आप बिलावर, बिसोली और बनी हर जगह का रुख करते हैं, अगर इलेक्शन की बात करें तो कहां से आप कंटेस्ट करेंगे? देखिए इसके बारे में मैं आपको कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि इलेक्शन का जो है वो सारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है सेंटर में दिल्ली में वो डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ तक अगर इलेक्शन के कंटेस्ट की आप बात करें, प्रभारी बनाना कुछ और चीज़ है और मैंडेट किसी को देना किसी जगह का कोई और चीज़ है। तो जैसे अगर मेरी पार्टी मुझे समझेगी कि मैं काबिल हूँ इस चीज़ के, तो चाहे मुझे वो बसोली का मैंडेट दे, बलौर का दे, बनी का दे, मैं तो कंटेस्ट इलेक्शन करने के लिए तैयार हूँ और मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करनी ही करनी है। सर अगर बनी की बात करें तो यहाँ से आपके सुनहरी पाल जो है बीते हैं, करियर की शुरुआत हुई है, तो आपके जो अपना इंटेंशन है आप कहाँ से रेडी है कंटेस्ट करने? देखिए जहाँ की मुझे मैंडेट मिलता है मैं लड़ने के तैयार हूँ, लेकिन जहाँ तक बनी है, बनी को तो मैं अपना घर समझता हूँ, क्योंकि 30-32 साल से जो मैं बनी में चल आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम किए हैं, मेरे काम बोलते हैं, इसलिए अगर लोग पसंद करें या पार्टी पसंद करें दे मुझे मैंडेट, में लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर आपकी हम आए दिनों देखते हैं कि क्लियर इंटेंशन थी आपका टेन्योर, जब यहाँ पंगा हुआ था, कांड हुआ था चलोग में, तो आपने मिनिस्ट्री से भी हाथ धोए थे, आपने इस्तीफा देना पड़ा था मिनिस्ट्री से, उस दौर का भी आपने यहाँ जो है वो टफ टेन्योर भी निकाला है और लोगों के साथ खड़े रहे थे, आप क्या बताएंगे?
देखिए वो तो मेरा फर्ज बनता था, मिनिस्ट्री हुई या एमएलएशिप हुई ये तो बाहर की बात है। अब जो 26 लोग बीच में फंस रहे थे जिनमें हमारे बड़े बड़े मशहूर साथी थे, आप सभी को जानते होंगे, हिंदू भी थे मोहम्मदन भी थे सारे थे, अगर मैं ऐसी बात नहीं करता तो केस चलते, तो केस तो बहुत देर तक चलता है, आपको पता कितना संगीन केस था। इसलिए मैंने बेटर समझा कि इस केस को जो है वो दफला दिया जाए, मिनिस्ट्री को मैंने रिजाइन तभी दिया था, मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप मेहरबानी करके इस फाइल को जो है वो क्लोज कर दें। सर ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी आपकी, क्योंकि कोई भी इतना अपना जो करियर है उसको खैरबाद नहीं कहता, क्योंकि आपका टेनवर था अभी, आप मिनिस्टर थे और 5 मिनिस्ट्री थी आपके हाथ में, तो किस तरह आप उसको गोल्डन चांस को मिस करते हैं अभी भी, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ पब्लिक आपने वो कुर्बानी दी है, क्या वो पब्लिक उसका अभी याद रखती है? देखिए पब्लिक जो है वो हमारे सिर के ऊपर हमारा ताज है, पब्लिक जो है, जो पब्लिक है वो हर बात को जानती है, पब्लिक जानती है कि हमने इस्तीफा दिया, पब्लिक जानती है कि हमने काम किए, पब्लिक जानती है कि हमने कौन सी जगह किसी को भी जो है सताने की कोशिश की, कोई रिश्वत खोरी नहीं गई, वो किसी से कोई लिया नहीं, अपनी जेब से जरूर दिया होगा, कभी भी हमने किसी को सताने, ये जो बड़े बड़े मुलाजिम लोग हैं जब यहाँ मीटिंग होती थी हम हमेशा इन्हें ही शील्ड करते थे और इन्हें कमरे के अंदर बुला कर कह देते ये आपने गलत किया है ऐसे मत करिए, और जो मान जाते थे, आज भी वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मैं जो पब्लिक आदमी है उसने पब्लिक के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। सर आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहे हैं पार्टीज के अंदर, क्या पर्सनल मुफाद आ गया है लीडरशिप में पर्सनल गेन के लिए, या चुनिंदा लोगों को बेनिफिट देने के लिए पब्लिक की मांग को दरकिनार किया जाता है, तब ये क्राइसिस आ रहे हैं, भरोसा उठ रहा है और बड़ी दुर्दशा छाई हुई है, जो ट्रस्ट है वो उठ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज से, चाहे कोई भी हो, रीजनल हो नेशनल हो, क्या बताएंगे? देखिए सरकार जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सरकार होना बहुत ज़रूरी है। अभी सभी पार्टियां जो हैं वो मिलकर इलेक्शन कमीशनर को भी मिलकर आई हैं, अभी इलेक्शन कमीशनर का पढ़ा था मैंने तो कुछ देर पहले कि वो पूरा इलेक्शन कमीशनर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का टूर लगा रहा है, तो मैं समझता हूं कि लगता है कि बड़ी जल्दी ही यहाँ इलेक्शन हो जाएगी, लेकिन फिर भी जितनी देर तक इलेक्शन कमीशन जहाँ नहीं आए, अभी वोटर लिस्टें आपकी रिवाइज हो रही हैं, 6 मई तक वोटर लिस्टें भी आपकी नहीं बनेंगी, तो इसलिए जब ये बन जाएंगे सारा काम हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं ये किसी के भी सक्के नहीं हैं, ये अपना मकसद हल करते हैं, एलजी साहब जितना मर्जी भी कोशिश करें लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ठुंग मार ही जाते हैं बीच में, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही यहां इलेक्शन होगी, और उसके बाद जैसे अमित शाह जी ने कहा है कि यहां स्टेटहुड भी जो है वो दी जाएगी, और स्टेटहुड भी मिलेगी, इलेक्शन भी हो जाएगी, और आपकी सरकार भी जो है वो जल्दी ही जहां जड़े हो तैनात हो जाएगी। सर स्टेटहुड पहले आएगी, देखिए पहले इलेक्शन आएगी, क्योंकि अमित शाह जी ने सीधा कहा है इलेक्शन पहले आएगी, उसके बाद स्टेट हुड देंगे वो आपको। 370 का क्या होगा सर? 370 का नाम तो अब है ही नहीं, ना 35 का नाम है कहीं में, तो इसलिए 370 वाली तो बात ही कोई नहीं है। अब इलेक्शन के लिए उसका कुछ है देखिए बीच में नहीं, इलेक्शन के लिए ये तो 300 का सर या जम्मू अलग से, ये जो गवर्नमेंट आएगी उस वक्त गवर्नमेंट तय करेगी आगे कि ये हमने क्या करना है, अगर बात उनकी रखी जा सकी तो सेंटर ने मान ली तो ठीक, अगर सेंटर ने नहीं मान ली तो पता है पार्लियामेंट जो है वो किसी को भी सुनबूत कर सकता है।